बरसात के मौसम में बेबस हुआ गरीब परिवार, सिर्फ छुपाने के लिए घर में नहीं मिल रही जगह, घर का चारों तरफ से टपक रहा बस पानी ही पानी। यहाँ के नेता डींगे मारने में जुटी। वैसे तो सभी नगर पंचायतों में चुनाव एक साथ होने हैं, जिसको लेकर अब नगर पंचायतों के चेयरमैन फिर जनता में विश्वास पैदा करने में जुट गए हैं। यहाँ के नेताओं की कार्यस्थानी से जनता काफी परेशान है, क्योंकि इस नगर पंचायत की हालात ठीक नहीं है। विकास कार्यों में भी जमकर घोटालेबाजी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। इस दौर में हैदरगढ़ नगर पंचायत में विकास के कई बड़े कार्य हुए थे, जिसका लोग आज भी जिक्र करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत हैदरगढ़ में विकास कार्य ठप हो गया है। बारिश की धुनों में पूरे कस्बे में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही नाला सफाई व नाला निर्माण के नाम पर लाखों रुपया यहां से जनप्रति डकार जाते हैं। नगर पंचायत के ललौरा वार्ड की रहने वाली मिथिलेश कुमारी पिछले कई वर्षों से दयनीय स्थिति में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही है। बारिश के मौसम में उक्त महिला के घर में सिर छिपाने की जगह नहीं रहती है। अपनी व्यथा बताते बताते हुए महिला भावुक हो गई। उसके घर का यह नजारा देख किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मिथिलेश, कहाँ रहने वाली हैं आप? ललौरा। ललौरा कहाँ पड़ता है ये? टाउन एरिया। कौन सी टाउन एरिया? यही हैदरगढ़। क्या दिक्कत है मां आपको? आपको दिक्कत बहुत है। हमको जो है ना बरसात होती है ना पहुँचने ठोर रह जाता, ना सामान रखने को रह जाता। छप्पर हमारा टूट हुआ है, गरीब आदमी है, नहीं बना पाते हैं। तो आवास नहीं मिला क्या आपको? नहीं, हमको नहीं मिला। चेयरमैन से कहा नहीं आपने यहाँ के? बहुत कहा, चार बार ने हमने साल में चार बार जब ने कागज मांगा, बार बार मांगता है वो आगे नहीं बढ़ाता। आपको बरसात में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? हम परिवार में हैं तीन लड़के हैं, एक लड़की है, दो प्राणी हैं हम। तो आप इसी घर में रहती हैं? इसी घर में रहती। कैसे मैनेज करती हैं माँ? अब क्या करें, मजबूरी है ना, गरीब मनी है, बच्चे पालें के जो हैं, घर बनाएं। खेती एक नहीं आपके? खेती एक विश्वा भी नहीं है। मजदूरी करती हैं? मजदूरी करके पेट भरते हैं, बच्चों को पालते हैं कि मकान बनाएं। मिथिलेश कुमारी का आरोप है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कई बार आवास के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन इसका असर यहाँ के राजनीति के मठाधीशों को नहीं पड़ा। अगर यहाँ के नेताओं की बात की जाए तो कागजों पर विकास कराने में इनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं हो सकता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसी वर्ष के आखिरी माह तक संभवतः नगर निकाय का चुनाव भी होना है। आखिरकार इस बार हैदरगढ़ की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी टीवी।